चंद्र इंस्टीट्यूट अलाहाबाद। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम और भाषा नियोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सी टेट स्पेशल, ये आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। देखिए भाषा अर्जन की बात की जाए तो सीधे शब्दों में आप समझिए, अनायास यूं ही स्वभावतः सरल तरीके से मुक्त वातावरण में जो भी हम अर्जित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। चलो भाई, जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, कोई गाली दे रहा है, गाली ही आपने सीख लिया, यही भाषा अर्जन है, वो भी आपने अर्जित किया। तमाम ऐसी तथ्यों को, चीजों को आप अर्जित कर लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में यूं ही बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी नियम के, बिना किसी व्यवस्थित वातावरण के, आप यूं ही वातावरण से प्राकृतिक रूप से सहज सरल तरीके से मुक्त तरीके से आप अनौपचारिक तरीके से, शब्दों की याद करिएगा जितने वर्ड्स मैंने यूज किया, अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक का मतलब यूं ही, हाँ, सहज तरीके से, मुक्त तरीके से, शब्दों की याद रखिएगा कैसे भी प्रश्न बना। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया है कि वो स्वतः होगा, स्वभावतः होगा, सहज तरीके से, ये सहज होता है। ऐसा हो सकता है कि चीजें कठिन हो लेकिन होता है सहज तरीके से, क्योंकि यूं ही होता है तो वो सहज है, वो स्वतः दिमाग में। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम मुक्त वातावरण में स्वभावतः सहज व सरल तरीके से, जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तथ्यों को ग्रहण कर लेते हैं यूं ही। अब भाषा अधिगम की अगर बात किया जाए तो भाषा अधिगम क्या होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, इसे ही हम भाषा अधिगम कहते हैं। अब देखिए भाषा अधिगम में प्रशिक्षण ट्रेनिंग जुड़ गया, कोई टीचर आपको ट्रेन कर रहा है, विद्यालय में आपको शिक्षा दी जा रही है, औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, व्यवस्थित तरीके से दी जा रही है, नियमबद्ध तरीके से दी जा रही है, कोई ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसी को आप अधिगम कहेंगे। यस, यही अधिगम है। तो अधिगम भाषा को सीखना, ये अधिगम है, भाषा को आप सीख रहे हैं और भाषा को सीखने की क्षमता का विस्तार करना भाषा अर्जन है। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, भाषा को सीखने की क्षमता का विस्तार करना ये भाषा अर्जन है और भाषा को सीखना, भाषा को जो आप सीखेंगे तो वहां पे प्रशिक्षण, वहां पे ट्रेनिंग चलेगा, वहां एक नियमबद्ध तरीके से आप सीखेंगे, विद्यालय में, स्कूल के द्वारा, स्कूल में अध्यापक के द्वारा। भाषा, अगर भाषा सीखना ये वर्ड आ जाए तो आप अधिगम, इसका सीधा संबंध अधिगम है। वर्ड शब्द को सुनिएगा, भाषा को सीखना, इस वर्ड का सीधा संबंध अधिगम से है, जबकि भाषा सीखने की क्षमता में विस्तार करना। एक बालक होता है, जन्म होता है, उसके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमताएं होती हैं। अब वो धीरे धीरे भाषा अर्जन के माध्यम से तथ्यों को सीखते हुए वो भाषा अर्जन की क्षमताओं का क्या करता है, विस्तार करता है, गलतियां करता है, त्रुटि करता है, भाषा अर्जन में त्रुटियां करता है वो। लेकिन उन त्रुटियों के सुधार के लिए कोई नियम नहीं होते, कानून नहीं होते, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, तो भाषा अर्जन में त्रुटियां होती हैं। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होता है भैया, भाषा अधिगम में जो त्रुटियां हो रही हैं उनमें सुधार किया जाता है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक एक तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाषा को सीखना ये अधिगम का द्योतक है, जबकि भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार, ये वर्ड आप नोट करिएगा, अगर ऐसा वर्ड आ जाए, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह से वर्ड आए हैं, ये किसको दर्शाता है, भाषा अर्जन को दर्शाता है। आपके अंदर भाषा अर्जन करने की क्षमताएं हैं, इसका मतलब भाषा को आप विस्तार, भाषा का बालक। अब देखिए प्रारंभिक अवस्था में बालक में
भाषा अर्जन होता है, एक भाषा अधिगम की स्थिति होती है, तो भाषा अर्जन से भाषा अधिगम की स्थिति की ओर आगे बढ़ता है। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम एक पद्धति है। क्योंकि वहां पे नियमबद्धता, वहां पे एक तरीके चलते हैं, तो पद्धति में जहां पे नियमबद्ध तरीके से सिस्टम हो, सिस्टमैटिक तरीके से जो कार्य हो वो पद्धति होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट को भी हमने लिया है, जिन्हें हमने स्पष्ट किया कि यह एक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन भाई क्या है? यह एक प्रक्रिया है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, हम अपने सामाजिक और अपने सांस्कृतिक परिवेश से स्वतः स्वभावतः ये हमारे जन्म लेने के बाद से ही ये हमारी ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि हम अपने संस्कृत को, अपने तथ्यों को, जो भी शब्द भाषाई वातावरण में अगर हम हैं तो हम उन्हें सीखेंगे। ये प्रक्रिया है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ, चूंकि शब्दों की याद रखिएगा, ये प्रक्रिया है। प्रश्न परीक्षाओं में इस तरह से आ चुके हैं। हम मैंने आपको बताया कि सहज है ये भैया, क्या है? सहज है। सहज का मतलब ये है कि यूं ही अनायास ही, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी भी बात जो आपके लिए सहज हो जाती है, जो आपके लिए सरल हो जाती है, जो आपके यूं ही, सरल होना अलग चीज है और सहज होना अलग चीज है, तो ये भाषा अर्जन के लिए सीधे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये सहज है, यूं ही आपको आप ग्रहण कर ले रहे हैं, यूं ही आप ग्रहण कर ले रहे हैं अपने वातावरण से, बस यूं ही। इसका मतलब ये क्या है आपके लिए? सहज है, क्योंकि स्वाभाविक है, ये सहज है, यूं ही आप ग्रहण कर ले रहे हैं मुक्त वातावरण से। मुक्त वातावरण वही प्राकृतिक वातावरण, मुक्त वातावरण। आप जा रहे हो सड़क पे, कोई चीज आपने सुन लिया, अपने परिवेश में हो, वातावरण में, माता पिता से शब्दों को आपने सुन लिया, सीख लिया, ग्रहण कर लिया, यूं ही, कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर उद्देश्यपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, उद्देश्यपूर्ण ये वर्ड ऐड हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा अधिगम होगा। अगर उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यवहार, किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, यह प्रक्रिया यह कहलाएगी, यह अधिगम कहलाएगी। लेकिन यहां पे उद्देश्य रहित, आप लिख सकते हैं अर्जन में, भाषा अर्जन में उद्देश्य रहित प्रक्रिया है, उद्देश्य रहित प्रक्रिया है। अगर प्रश्न आ जाए भाषा अर्जन एक उद्देश्य रहित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सहज और स्वभावतः हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से तथ्यों को ग्रहण करते हैं, यूं ही अनायास ही, ये बात है, ठीक है? सीखने की क्षमता विस्तार से संबंधित, देखिए यही मैंने बताया आपका भाषा अर्जन क्या है। जैसे ही आपने जन्म लिया, आपके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि आप भाषा को एक धीरे 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 शब्दों को सीखने लगते हैं, भाषा का विस्तार करने लगते हैं, तो ये भाषा अर्जन, भाषा के सीखने की क्षमता। देखिए दो वर्ड मैं बोल रहा हूं बार बार, भाषा सीखना ये अधिगम से संबंधित है, लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए भाषा की क्षमता विस्तार, तो ये सीधे भाषा अर्जन से संबंधित है। दोनों में बारीक सा अंतर है, प्रश्न भी यहां से परीक्षा में आया है। हमारे आंसर भाषा अर्जन है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भाषा सीखने की क्षमताएं हैं, ये बात है। त्रुटियां होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। यस भाई, बालक है तो गलती करेगा, लेकिन त्रुटियों को सुधार करने के लिए कोई यहां पे प्रशिक्षण या कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई व्यवस्था नहीं है। त्रुटियां तो बालक करेगा ही, गलती करेगा धीरे धीरे अपना, तो त्रुटियां होती हैं। परिवेश प्रभावशाली है, यहाँ पे परिवेश, विशेष तौर पे वातावरण, परिवेश, माता पिता, ये बहुत प्रभावशाली होते हैं भाषा अर्जन में। नियमों को आत्मसात नहीं करते। अब देखिए ये जो है नियमों को आत्मसात नहीं करते, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बालक भाषा अर्जन के अंतर्गत तमाम नियमों को, तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से किसी चीज को ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ पे नियमों को आत्मसात नहीं करते, मतलब
नियम को, तथ्य को, रूपरेखा को ग्रहण कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ तथ्यों को सीखा, कुछ नहीं सीखा, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि नियम को आत्मसात कर लेते हैं तो ऐसा कहना गलत होगा। ये यहाँ नियमों को, किसी तथ्य को, व्याकरण नियमों को आत्मसात कर लेंगे ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे ये जरूरी नहीं है। अब देखिए भाषा अधिगम की बात किया जाए, यह एक पद्धति है। हाँ, चूंकि ये व्यवस्थित रूपरेखा देती है, सिस्टमैटिक, इसीलिए इसको पद्धति आप कहेंगे। यह प्रशिक्षण युक्त है। क्या है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, टीचर के द्वारा, स्कूल, विद्यालय आदि के द्वारा उद्देश्य पूर्ण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही अधिगम होता है। यह औपचारिक होता है और भाषा अर्जन क्या होता है? अनौपचारिक, राइट। यह भाषा को नियमानुसार सीखने से संबंधित, यह भाषा के नियमानुसार सीखने से संबंधित है। मतलब एक भाषा जब अधिगम आप करा रहे हैं तो इसका मतलब आप यही चाहेंगे कि नियम कानून व्याकरण आदि को भी व्यवस्थित तरीके से बच्चा सीखे। त्रुटियों को दूर करने के लिए, देखिए ये पॉइंट, त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे त्रुटियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, ये इसके आगे की प्रक्रिया है भाई, त्रुटि होगी तो त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवेश के साथ शिक्षण भी प्रभावशाली है। तो परिवेश के साथ साथ यहाँ पे शिक्षण, जो टीचिंग करेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। इसका भी अपना महत्व है। अब देखिए भाषा नियोजन की अगर बात करें तो भाषा नियोजन क्या होता है? किसी क्षेत्र की एक या कई भाषाओं के कार्य संरचना एवं अर्जन को योजनाबद्ध, देखिए भाषा नियोजन, नियोजन से मतलब ये हो गया योजना। जो भी भाषाएं, कई अगर कई भाषाएं हैं तो उनको एक योजनाबद्ध रूप देना, ढंग से प्रभावित करना, भाषा नियोजन कहलाता है। जैसे भाषा नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः तीन कार्य आते हैं। कॉर्पस नियोजन, कॉर्पस नियोजन का मतलब क्या होता है? नए शब्द का निर्माण, भाषा के मानक निर्धारण। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आया, न्यू शब्द आया, न्यू वर्ड आया, तो उस वर्ड को वो व्याकरण के नियमों के तहत उसको रखा जाए, नहीं रखा जाए, उसका मानक क्या होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, तो ये जो है कॉर्पस नियोजन। तो नए शब्दों का निर्माण व भाषा के मानक निर्धारण, उनका व्याकरणिक निर्धारण, इसको व्याकरण के तौर पर लिया जाए या न लिया जाए, इसका व्याकरणिक रूपरेखा क्या होगी, ये कॉर्पस नियोजन है। प्रतिष्ठा नियोजन, प्रतिष्ठा की अगर कोई भाषा है तो इसको राजभाषा का दर्जा, देखिए प्रतिष्ठा सबसे मतलब राज, यहाँ राजभाषा, इसको प्रतिष्ठा दिया जाए कि न दिया जाए, राजभाषा का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, क्या योजना बनाई जाए, क्या नियोजन बनाई जाए, इसी को हम बोलते हैं प्रतिष्ठा नियोजन। बिल्कुल, ये तीन रूपरेखा है। अर्जन नियोजन, अर्जन भाषा सीखने सिखाने को सरल बनाने के प्रयास। तो अर्जन नियोजन मतलब भाषा, जो भाषा कोई नई भाषा है तो उसको सीखने सिखाने के जो प्रयास किए जाए, जो कोशिश की जाए, उसकी रूपरेखा क्या हो, इससे संबंधित है। तो भाषा नियोजन हालांकि कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी जानिए इस तरह के आजकल सीटेट नए नए तथ्यों को जोड़ रहा है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम और भाषा नियोजन को जानिए। नियोजन का मतलब यही हो गया कि एक योजना, एक प्लानिंग, किसी कोई नई भाषा आ रही है उसकी योजना क्या बनाई जाए, कोई नए शब्द आ रहे हैं उनको व्याकरणिक रूपरेखा क्या तय की जाए, इसी को हम बोलते हैं भाषा, ये कॉर्पस नियोजन, ये वर्ड याद रखिएगा। नए शब्द का निर्माण एवं भाषा के मानक निर्धारण, क्या किया, कैसे मानक तैयार किया जाए। देखिए कुछ जो अलग पॉइंट्स लिए हुए तथ्य होते हैं, जुड़े हुए तथ्य होते हैं, वहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर करके प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा साइड के तथ्य। बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉपुलर हूं कि तमाम जो ऐसे प्रश्न फंसा देते हैं सर, जो दूसरे सोच भी नहीं पाते हैं, मेहनत करते हैं बेटा, आप सबके लिए मेहनत करते हैं तब जाके ये स्थितियां बन पाती हैं, ऐसे तथ्य हम आपके लिए ले आ पाते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं इस प्रयास के द्वारा, आप समझ सकते हैं इस कोशिश के द्वारा। चलिए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेने जा रहे हैं जो सीटेट के एग्जाम्स में पिछले वर्ष परीक्षाओं में आ चुके हैं। यदि आपने मेरे लेक्चर को पूरा सुना है तो बहुत सहज और बहुत इजी वे में आप इनके उत्तर दे पाएंगे।
चलिए इनकी व्याख्या करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो पहली बात तो प्रश्न को समझिए, भाषा सीखना इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम। देखिए यहां सीधे अधिगम की बात की जा रही है, अधिगम मैंने आपको बताया प्रशिक्षण के द्वारा, यानी भाषा सीखना का सीधा संबंध किससे है, प्रशिक्षण के द्वारा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, ये भाषा सीखना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमने अंतर स्पष्ट किया था भाषा सीखना, अभी मैंने अंतर स्पष्ट क्या किया, भाषा सीखना और भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार। तो भाषा सीखना अधिगम है और भाषा सीखने की क्षमता का विस्तार जब बालक करता है तो ये भाषा अर्जन है। अब यहां पे ये आपको समझना पड़ेगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है, ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो देखिए यहां पे अगर बात किया जाए कैसे आप अंतर करेंगे, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाई कैसे, भाषा अधिगम विद्यालय या प्रशिक्षण के द्वारा ऐसा परिवेश, और भाषा अर्जन अपने स्वतंत्र वातावरण से ऐसा परिवेश। तो कहने का मतलब उपलब्ध परिवेश, दोनों में मुख्य अंतर यही है कि अधिगम जो होता है, भाषा का जो सीखना होता है, वो विद्यालयी वातावरण, अध्यापक के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, और भाषा अर्जन जो होता है वो स्वतंत्र वातावरण में होता है, स्वतंत्र तरीके से होता है। तो परिवेश, उपलब्ध परिवेश, सीधे सीधे यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं कि दोनों में मुख्य अंतर यही है कि दोनों का जो उपलब्ध परिवेश होता है वो अलग अलग होता है। अर्जन में स्वतंत्र वातावरण आता है, जबकि अधिगम में विद्यालय या प्रशिक्षण ऐसा परिवेश रहता है। तो दोनों का मुख्य अंतर यही है कि भाषा का उपलब्ध परिवेश, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शेष आप भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा की जटिल संरचनाएं, ये आपकी गलत है। सीधा सीधा उत्तर यहाँ पे आपको मिल सकता है कि दोनों का, भाषा सीखना यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर जो है वो परिवेश का अंतर है, उपलब्ध परिवेश का अंतर है। अर्जन का परिवेश अलग होगा और अधिगम का अलग। चलिए देखिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। देखिए अर्जन के संदर्भ में हमने स्पष्ट बताया कि बालक त्रुटियां करते हैं, लेकिन अधिगम की स्थिति में त्रुटियां करते हैं और उन त्रुटियों के लिए क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। भाषा अर्जन में त्रुटियां करते हैं लेकिन इसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। बालक स्टार्टिंग में कितनी गलतियां करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, छोटे छोटे बालक कितनी बार कितनी गलतियां करते हैं तब जाके एक एक शब्द को सीख पाते हैं, कितना उन्हें प्रयास करना पड़ता है, कितनी उन्हें कोशिशें करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। अब यहां देखिए अन्य उत्तर आपके, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अब नियमों को ग्रहण करने की बात की, स्वाभाविक रूप से नियम वगैरह ग्रहण कर लेते हैं अर्जन के अंतर्गत, ये कहना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये गलत बात है। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रट लेते हैं, अब रटने की बात की गई है, ये भी आपका गलत है। और कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। तो बालक भाषा अर्जन में कोई त्रुटि ही नहीं करते हैं, ऐसा कहना भी क्या है, गलत है। तो कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं ऐसा कहना गलत है, स्वाभाविक रूप से रटते हैं ऐसा कहना भी गलत है, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, अधिकतर बच्चे भाषा अर्जन में अधिकतर प्राय बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसी प्रकार से वो एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को सीखने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है और त्रुटियां होती हैं, गलतियां वो करते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। चलिए ये इन प्रश्नों की व्याख्या हम आपके समक्ष कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भाषा की कक्षा, ये टॉपिक लूंगा, भाषा की कक्षा के माध्यम से हम आपको बहुसांस्कृतिक कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषिक कक्षा जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, कहानी से संबंधित जो प्रश्न, स्वस्वर वाचन, कहानियों संबंधित जो तथ्य पूछ लिए जाते हैं, वो भाषा की कक्षा
ये प्रश्न बहुत आता है, आपने देखा होगा भाषा की कक्षा, तो ये स्पेशल टॉपिक होगा भाषा की कक्षा, और इस तरह के सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा भाषा की कक्षा, ये टॉपिक रख के उसमें बहुत आनंद आएगा और बहुत यूं ही आप सहज तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए वीडियो को दो बार तीन बार देखिएगा, क्योंकि एक एक जो पॉइंट है वहां से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इतना विस्तार में आपने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को नहीं पढ़ा होगा, निश्चित रूप से मैंने परिश्रम करके मेहनत करके आपके लिए ये कोशिश करके मैं ले आया हूँ आपके लिए। तो आप वीडियो को कंप्लीट दो बार तीन बार एक एक वर्ड को नोट कर लीजिएगा, एक एक शब्दों को देख लीजिएगा, दो बार तीन बार वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, आप प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। देखिए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, देखिए कौन सा कथन उचित नहीं है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा कथन उचित है, आपको ढूंढना क्या है कौन सा कथन उचित नहीं है, ये आपका जो उत्तर होगा। लेकिन कौन सा कथन उचित है, या देखिए यह एक सहज प्रक्रिया है, यह तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में उचित बात है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इन पे हमने लगातार जोर दिया, इन दोनों पे लगातार जोर दिया कि भाषा अर्जन की यह गुण है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह सबसे बड़ा गुण है भाषा अर्जन का। तो कौन सा कथन उचित नहीं है, यह प्रश्न है आपका। तो देखिए दो आपके बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, बच्चे भाषा के नियमों का को आत्मसात कर लेते हैं। अब यहां इन दोनों प्रश्नों में आपको थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। देखिए अगर बच्चे से आप बोलते हैं, बच्चा बोलता है पानी को, जल को बोलता है मम, और आप बोलते हैं कि बेटा ये मम नहीं पानी है जल है, तो बच्चा फिर भी मम बोलता है, यानी बच्चा तथ्यों को यूं ही आत्मसात नहीं कर लेता है। और अगर बच्चा मान लीजिए एक बार पानी बोल भी दिया हाँ, तो वो फिर भी भूल जाएगा, मतलब बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ऐसा कहना कथन उचित नहीं है, ऐसा कथन उचित नहीं है। फिर से एग्जाम्पल को समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, पानी को बच्चा क्या बोलता है मम, क्या बोलता है मम, आपने क्या कहा, आपने थोड़ा सा नियम बता दिया भैया, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत आप नियम आप बताते हैं, बोलते ही हैं कि भाई पानी मम नहीं बल्कि पानी बोलो, तो थोड़ा बहुत नियम आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे को, तो ये तो ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन बच्चे उस आपने पानी बोला और पानी को आत्मसात कर ले, अब पानी ही बोलेगा ऐसा आप नहीं कह सकते, बच्चा भूल जाएगा, भले का एक बार पानी बोल दी लेकिन वो भूल जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ऐसा कहना गलत है, ठीक है, तो कथन उचित नहीं है, यही आपका, तो ये उचित नहीं है कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं भाषा अर्जन के अंतर्गत, ऐसा बोलना गलत होगा, ये बात है। चलिए देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह सीखा जाता है, यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है। तो पहली बात तो आप कई बार आपको बताया गया कि भाषा अर्जन क्या होता है, यह सहज होता है, यह स्वाभाविक होता है, यूं ही अनायास ही तथ्यों को हम सीख लेते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन कुछ लोग आपके मन में ये आ सकता है कि सरल ये भी तो ठीक ही लग रहा है। तो देखिए भाषा जब बच्चा सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया में जो शब्द होते हैं वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो कठिनाई से महसूस होती है बच्चे को सीखने में, तो हमेशा ये नहीं है कि वो सरल ही, बच्चों को तथ्यों को सीखने में कठिनाई, लेकिन हाँ चूंकि वो स्वाभाविक रूप से सीख रहा है, सहजता से सीख रहा है, तो यहाँ पे जो उत्तर द बेस्ट उत्तर होगा वो यही होगा कि यह क्या होता है, सहज होता है, यह सहज होता है। देखिए अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को दो बार आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर मजबूत होगा, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, और इतना जो हमने आपको बताया यहाँ से आपका दो क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं है, एक से दो क्वेश्चन आपका कहीं गया ही नहीं है, निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। और अगर आपको और भी हमारे वीडियोस चाहिए, इंग्लिश के वीडियोस, संस्कृत के वीडियोस, तमाम जो टीचर्स चंद्रा इंस्टीट्यूट पर पढ़ा रहे हैं उनके वीडियोस आपको चाहिए,
चाइल्ड साइकोलॉजी सभी पार्ट चाहिए, इन्वायरमेंट, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है 8299310097 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। और भी वीडियोस देकर हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और चंद्रा इंस्टीट्यूट से आप हर प्रकार से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।